लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घर घर जाने की रणनीति बना ली है और इसी के तहत राहुल गांधी की ओर से की गई घोषणाओं को आम जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की ओर से 15 वादों का एक संकल्प पत्र जारी किया गया है। पीसीसी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रचार समिति के चेयरमैन महेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस सच्चाई के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन भाजपा झूठ और जुमलों के आधार पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जोशी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस न्याय योजना के माध्यम से गरीबी मिटाने का कार्य करेगी और रोजगार में भी नई क्रांति लाई जाएगी और साथ ही राहुल गांधी की ओर से जनता से किया हर वादा पूरा किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि भाजपा झूठे आंकड़ों के आधार पर आरोप लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, भाजपा ने इन झूठे जांचों में जनता अब नहीं आने वाली है। कांग्रेस ने हमेशा न्याय करने की कोशिश की है। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस का दिया हुआ था। उस हालत में जब हमारे देश के लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त न अन्न था न दूसरी चीजें थी, देश जिस स्थिति में आजाद हुआ था वो किससे छिपा हुआ नहीं है, धीरे धीरे करके हमने देश को खड़ा करने की कोशिश किया, देश के निर्माण करने की कोशिश किया, नया देश बनाने की कोशिश की है। और आज हम ये महसूस करते हैं कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से देश के आम और गरीब लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, जीएसटी के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे, दूसरे जो जनहित की योजनाएं उनको बंद करके हम 450 रुपए का सिलेंडर देते हैं।